नमस्कार, मैं रासलव गुप्ता, आप लोग देख रहे हैं समृद्ध भारत न्यूज़। जैसा कि आपने देखा, कोविड-19 एक तरफ अपनी तरह चल रही थी, वहीं कई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ऐसे में आइए मिलवाते हैं सोशल वर्कर राजकुमार जी से, जिन्होंने स्कूल दिल्ली सरकार के स्कूलों में पिछले 62 दिनों से निरंतर लगातार अपनी मेहनत से, अपने मन से जाके स्कूल में राशन वितरण प्रक्रिया में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से पालन करवाया। इसको देखते हुए समृद्ध भारत न्यूज़ टीम पहुंची उनको सम्मानित करने के लिए, ताकि उनको भी लगे कि उन्होंने एक भलाई का काम किया, जनता के हित में काम किया। आइए मिलवाते हैं आपको राजकुमार वर्मा जी से, जिन्होंने ये कार्य किया। मिलते हैं। नमस्कार सर। 62 दिन तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में जाके राशन वितरण करवाया। हाँ जी सर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया। हाँ जी सर। कई बार आपको ये लगा कि सर लगा तो अपन तो पब्लिक की हेल्प करना जरूरत थी, बहुत नीडी पर्सन वहाँ खाना लेने आ रहे थे और बहुत ही ज़्यादा खाने लेने डिफिकल्टी हो रही थी, इसलिए हमने वहाँ के टाइमली और डिस्टेंसिंग के साथ खाना बटवाया। सर आप एक बात बताइए, जो आपने ये किया, आपकी टीम ने किया या आपने किया? मेरे कुछ दोस्तों और भाई ने मिलकर, हम दोस्तों ने मिलकर, सब ने मिलकर ही करा। निरंतर 62 दिन तक आप गए? हाँ, नॉन स्टॉप, कोई छुट्टी नहीं करी, अपने मन से टाइमिंग से, हमने जो एक्चुअल दिल्ली गवर्नमेंट टाइमिंग दिया तो उस टाइमिंग से दोनों टाइम खाना बांटा और सबको ही दिया, कोई ही निराश नहीं करा और सबको संतुष्ट करके खाना दिया। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आपने जो कार्य किया समृद्ध भारत न्यूज़, आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे और आशा है कि आप ये समाज सेवा कार्य करते रहेंगे आगे भी, जो कि आपने समृद्ध भारत न्यूज़ को अपना टाइम दिया। और ऐसे में जैसा कि आपने देखा कि समृद्ध भारत की तरफ से इनको सम्मानित किया जा रहा है, जो कि हमारे संतोष जी इनको सम्मानित करेंगे।